बिना रास्ते कठिन है, शिक्षा की डगर एक दशक बीत जाने के बाद भी स्कूल तक जाने का नहीं है रास्ता। ग्राम पंचायत मिठड़ा खुर्द में बिना प्लानिंग कर जिम्मेदारों लाखों रुपए की लागत से बना दी थी स्कूल बिल्डिंग। कई अफसर आए और गए, नहीं खुली रास्ते की राह। बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना उपखंड के ग्राम पंचायत मिठड़ा खुर्द में राजस्व गांव सुओ की बेरी अंतर्गत रामानी जाखड़ों की ढाणी एक दशक पहले बनी प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग गांव के स्कूली छात्र छात्राओं के लिए अनुपयोगी साबित हो रही है। 2013 के सत्र में विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कमरोन्नत होने के बाद भी गाँव के बच्चों को स्कूल जाने का रास्ता नहीं है, जिसे उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएं 8 में 2, कक्षा 7 में 3 और कक्षा 6 में महज 7 बच्चे अध्ययनरत है। स्कूल तक रास्ता नहीं होने से छात्र और उनके अभिभावक परेशान है। उनका कहना है कि इस संबंध की शिकायत धोरीमन्ना उपखंड अधिकारी सहित जिले के अधिकारियों कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार करीब एक दशक पहले तत्कालीन सरपंच साहिबा मीरा देवी के कार्यकाल में स्कूल की बिल्डिंग का पक्का निर्माण कार्य करवाया गया। स्कूल की बिल्डिंग के लिए रामानी जाखड़ परिवार ने खुद की जमीन शासन को दान करने पर सर्व शिक्षा अभियान तहत लाखों रुपए का बजट खर्च कर स्कूल लकी बिल्डिंग का निर्माण कराया था, परंतु आसपास अन्य किसानों की भूमि होने तथा स्कूल जाने का रास्ता न होने से छात्र छात्राओं को कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है और शिक्षा के लिए 5 किलोमीटर दूर मिठड़ा गाँव पैदल जाना पड़ रहा है। जब रास्ता ही नहीं था तो क्यों बनाई बिल्डिंग। ग्राम पंचायत मिठड़ा के रामानी जाखड़ों की ढाणी उच्च प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग आज जर्जर हालत में है। गांव वालों का आरोप है उक्त जमीने का परिवार द्वारा दान करने पर सरपंच द्वारा घटिया निर्माण कार्य करवाकर शासन की राशि का बंदर बांट कर दुरुपयोग किया गया। इस मिलीभगत से न केवल शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ, बल्कि बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाने से परेशान हो रहे हैं। जिम्मेदारों से होनी चाहिए राशि की रिकवरी। प्रदेश सरकार के मुखिया हर बच्चे को दिलाने पर जोर दे रहे हैं, जिसे लेकर विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। यदि ग्राम मिठड़ा खुर्द में रामानी जाखड़ों की ढाणी शिक्षा विभाग द्वारा ऐसी जगह बिल्डिंग का निर्माण किया गया है जहां पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य करने वालों से शासन की राशि की रिकवरी होनी चाहिए। कलेक्टर से है ग्रामीणों को उम्मीद। बाड़मेर एक दशक तक काफी कलेक्टर आए और गए, लेकिन अब वर्तमान जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते कार्यशैली से एक बार फिर ग्रामीण को स्कूल तक रास्ते की आस जगी है। बहरहाल प्रशासन रास्ते का कोई समाधान निकल पाता है या नहीं, इनका कहना है। स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है, स्कूल जाने के लिए मुझे काफी घूमकर चक्कर लगाना पड़ता है, बच्चों सहित स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, स्कूल में पोषाहार बंद पड़ा है, गाड़ी पहुँचने का रास्ता नहीं है, जिसके चलते बच्चों को पोषाहार से वंचित रहना पड़ रहा है। भगाराम चौधरी प्रधानाचार्य जाखड़ों की ढाणी, इनका कहना है। स्कूल तक कटान रास्ता नहीं है, फी रभी मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश कर कहीं से रास्ता खुलवाकर पोषाहार डालने की व्यवस्था करेंगे। बीओ लक्ष्मण सोलंकी धोरीमन्ना, पनावड़ा टीवी के लिए देवराज राजपुरोहित की रिपोर्ट।